वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देव सर के आई ऑनलाइन दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर मैं हाज़िर हूं और आज ही हमारी ट्रिक्स एंड टिप्स की एक न्यू वीडियो होने वाली है और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम मैथ इनपुट पैनल का यूज करते हैं यानी हम कोई इक्वेशन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस टाइप से लिख सकते हैं यदि हमें कोई मैथ का एक एग्जाम पेपर बनाना हो तो कैसे हम वहाँ पर विभिन्न प्रकार के इक्वेशन को लिख पाएंगे इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे लेकिन दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहूंगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं आप लोगों के लिए कई सारी सीरीज लेकर के आऊंगा और मैं वीक में हर सीरीज के अंदर कम से कम दो या तीन वीडियोस लॉन्च किया करूंगा तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा तो बेसब्री से आप उनका इंतजार कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों बाकी लोगों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी वो सभी सीरीज एकदम स्टार्टिंग से देखने को मिल जाए और उन्हें भी कंप्लीट नॉलेज एक तरफ से सारी वीडियोस के जरिए आ जाए तो मैं लेके आने वाला हूँ कुछ अपकमिंग वीडियो सीरीज और मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं कि मैं क्या क्या लाने वाला हूँ दोस्तों पहली जो सीरीज हमारी होने वाली है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सल जो कि एक प्रो लेवल पे मैं सारी सीरीज लेकर के आऊंगा जो कि आपको जीरो टू तो हीरो वाली सीरीज मिल जाएगी यानी आपको एक्सल इस लेवल पे आ जाएगा अगर आप बिल्कुल एक्सल में आज जीरो हैं तो जीरो से हीरो कैसे बनेंगे आपको वहां तक मैं एक्सल में लेकर के जाऊंगा और यहाँ एक्सल आपको इस लेवल पे मिल जाएगी कि आप Excel से घर बैठे तो अर्निंग, भी कर सकते हैं। और से अर्निंग कैसे करें मैं इसके ऊपर भी वीडियोस लेकर के आऊंगा सेकंड जो सीरीज हमारे होने वाली है वो है टैली प्राइम दोस्तों टैली का, का काफी मेजर वर्जन ये लॉन्च हुआ था इससे पुरानी जो सीरीज थी टैली ई आर तो वो पूरी तरह से चेंज होकर के प्राइम में कन्वर्ट हो चुकी है जिसके अंदर कई सारे नए अपडेट्स आए हुए हैं जीएसटी से रिलेटेड और इंटरफेस भी दोस्तों काफी ज्यादा चेंज हो चुका है शॉर्टकट्स भी काफी बदल चुके हैं तो पूरी तरह से एक नए अपडेट के साथ मैं टैली प्राइम का कंप्लीट सीरीज लेकर के आऊंगा जिसका स्टैंडर्ड भी एकदम प्रो लेवल का होगा नेक्स्ट जो सीरीज मैं लॉन्च करूंगा दोस्तों वो है कोडिंग विद पाइथन दोस्तों आज के दौर में कोडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो गई है और प्रत्येक बच्चे को मैं तो कहता हूं हर स्टूडेंट को एकदम छोटे लेवल से ही कोडिंग पे ध्यान देना चाहिए कोडिंग सीखनी चाहिए अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ भी रहे हो तो दोस्तों मैं तो कहूंगा आप वहीं से कोडिंग को स्टार्ट कर दो आप अगर छोटे लेवल से कोडिंग सीखते हैं तो आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक आते आते कोडिंग की काफी अच्छी नॉलेज अपने पास रखते होंगे और दोस्तों आज के दौर में छोटे लेवल से अगर आप कोडिंग पे ध्यान देते हो तब भी आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे जहां आज आप पहुंचने की सोच रहे हो नेक्स्ट जो सीरीज हमारी होने वाली है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट दोस्तों क्या है क्लाइंट साइड डेवलपमेंट को ही हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं यानी किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं जैसे एच टी एम एल सी एस एस जे एस और दोस्तों आजकल तो मार्केट में इनके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको सी एस एस और जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क मिलेंगे और मैं इस सीरीज़ के अंदर कई सारे फ्रेमवर्क्स को भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम उनके फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके कम टाइम में ज़्यादा कोड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो दोस्तों बेसब्री से इन सारी सीरीज का आप इंतजार कीजिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन सभी को ये सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाली वीडियोस देखने को मिल सके तो बस इंतजार कीजिए मैं जल्द से जल्द देख करके आऊंगा और आज मैं आपके साथ टॉपिक शेयर कर रहा हूं मैथ इनपुट पैनल तो चलिए इस प्रैक्टिकल को करने चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम कोई इक्वेशन बनाएंगे तो दोस्तों इक्वेशन का जो वर्क है डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करना है मैंने ओपन कर रखा है वर्ड और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आप वर्ड को किस तरह से ओपन करेंगे आपको स्टार्ट पर जाना होता है और आप सबसे नीचे देखेंगे डब्ल्यू वाली सीरीज में आपको मिलने वाला है वर्ड या फिर आप रन कमांड से ओपन कर सकते थे और रन कमांड को ओपन करने के लिए आपको विंडो प्लस आर को हिट करना होता है और टाइप करना होता है विन वर्ड और जैसे ही दोस्तों आप यहां ओके करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों पहली बात तो ये कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेटेस्ट वर्जन के अंदर इक्वेशन से रिलेटेड हर सेटिंग्स हर मिल जाएगा आपको किसी अलग से ऐप का यूज करने की जरूरत ही नहीं है आप जब दोस्तों यहाँ पर इंसर्ट नाम के टैब में जाओगे तो आपको एक सेपरेट ग्रुप मिलेगा सिंबल्स नाम का और इस ग्रुप के अंदर आपको इक्वेश नाम का ऑप्शन मिल जाएगा आप चाहे तो यहां से किसी भी टाइप का इक्वेशन बना सकते हैं आपके इक्वेशन के सभी टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे यहां तक कि आपको हर टाइप का सिंबल मिल जाएगा जो कि बेसिक मैथ्स से लेकर ग्रीक लैटिन एरो स्क्रिप्ट जियोमेट्री हर टाइप का सिंबल्स आपको यहां मिल जाएगा और इक्वेशन को बनाने के लिए आपको एवरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहां मिलेगा चाहे वो फ्रक्शनल हो स्क्रिप्ट हो रेडिकल हो इंटीग्रल हो कोई सा भी हो बट दोस्तों ये हम तब सीखेंगे जब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट की सीरीज लेकर के आऊंगा जब मैं आपको word मैं आपको आपको वर्ड सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा तब बट आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है मैथ इनपुट पैनल तो अभी हम ये सीखते हैं कि कैसे हम मैथ इनपुट पैनल से कुछ लिखेंगे दोस्तों कैसे हम कोई इक्वेशन बनाएंगे सैंपल के तौर पर चले मैं लेता हूं मैं यहां से पहले कोई इक्वेशन इंसर्ट कराता सेम में आपको मैथ इनपुट पैनल से बताता हूं तो सपोज दैट मैंने यहां पर फ्रैक्शन में देख रहा हूं क्या कोई ऑलरेडी मेरे को सैंपल में इक्वेशन मिल रही है या नहीं तो कई सारी इक्वेशन यहां अवेलेबल है रेड्रिकल ओके ठीक है ये एक प्रीडिफाइंड इक्वेशन है जिसको मैं है ले रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों श्रीधाराचार्य समीकरण हम इसे बोलते हैं तो अगर मैं इसको मैथ इनपुट पैनल से बनाना चाहूंगा तो दोस्तों ये कैसे बनेगी आपको मैं यही बताने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले तो हमें मैथ इनपुट पैनल को ओपन करना है अब मैथ इनपुट पैनल ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करना है देन आपको जाना है विंडोज एसे में और विंडोज में जाने के बाद आप मैथ इनपुट पैनल को रन करेंगे मैथ इनपुट पैनल दोस्तों ओपन होकर के आपके सामने आ जाएगा अब होता क्या है कि आपको यहां पर अपनी इक्वेशन बनानी होती है और जब आप इक्वेशन को लिख लेते हैं तब आप इसे क्लोज कर देते हैं दोस्तों जब आप इसे क्लोज करते हैं तो आप ये मत सोचेगा कि वास्तव में क्लोज हो गया है एग्जेक्ट में क्या हुआ है ये सिर्फ स्क्रीन से हट गया है और ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है जब आप यहां देखेंगे नोटिफिकेशन एरिया में तो आपको दिख रहा है कि मैथ इनपुट पैनल अभी भी ओपन है जब आप यहां से इसको राइट right क्लिक करके एग्जिट करेंगे तभी ये क्लोज होता है आप इसे अगेन यहां से शो कर सकते हैं तो मैंने इसे शो कर लिया है और अब मैं यहां पर कोई इक्वेशन टाइप करूंगा तो मुझे यहां लिखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस फोर टू ए तो दोस्तों वैसे तो आपके पास ग्राफिक टैबलेट होना चाहिए अगर आप अच्छे से राइटिंग वर्क करना चाहते हो तो बट मैं यहां माउस से ही कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने अभी ग्राफिक टैबलेट कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो मैं कोशिश कर रहा हूं माइनस बी दे दोस्तों आपको लिखना है प्लस माइनस तो आप प्लस देन माइनस का साइन लगाइए और अंडर रूट बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों मैं अंडर रूट को बना रहा हूं टुकड़ों में तो क्या वो उसको ठीक से समझ पा रहा है मुझे देखना होगा नहीं तो दोस्तों जब भी ऐसा होता है तो आप इरेजर को लाइए और इरेजर की मदद से किसी भी कंटेंट को आप इरेज कर सकते हैं तो आपको ये जो अंडर रूट दे रखा हुआ है वो आपको नीचे से बनाना है और सही से आपको बनाते हुए चलना है एक बार में तो ये मैंने अंडर रूट को ड्रॉ किया है और मैंने उसके अंदर लिखा बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर ए सी देख अपॉन टू ए इस तरह से दोस्तों आप यहां लिखेंगे और आपका पूरा इक्वेशन बन के ऊपर तैयार हो जाएगा अब आपका यह इक्वेशन इंसर्ट होने के लिए तैयार है बट दोस्तों मैं इंसर्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपको यहां राइट साइड के पैनल में कौन कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं दोस्तों राइट करने के लिए आपको यहां पेन मिलता है और इरेज करने के लिए इरेजर और होता है क्या दोस्तों कभी आपको इक्वेशन लिख रहे हैं और वहां पे कोई कंटेंट जो आपने लिखा है वो वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना तो आप उसे सेलेक्ट करने के बाद करेक्ट कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर इस टू को क्लिक कर रहा हूं तो टू सेलेक्ट हो चुका है और अब आपको वो सजेशन में क्या दे रहा है रीराइट यानी आप यहां टू या इसको जेड कैपिटल और या ट्रिल दे इस तरह से किसी साइन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर वो उसको ठीक से पहचान नहीं पाया तो आप यहां से सजेशन में बता सकते हो कि भाई यहाँ पे आपने जो लिखा है वो वो नहीं है वो ये है जेड है या वो टू है या फिर वो ई है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों जैसे मैं अभी इसको ई में कन्वर्ट करता हूं तो दोस्तों वहां आपको क्या शो होने लगा ई बट दोस्तों ये ई नहीं है ये एक्चुअल में स्क्वायर है तो मैं इसे अंडू कर रहा हूं और यदि दोस्तों आपने अंडू किया हुआ है तो आप उसे रीडू भी कर सकते हो और अगर आपने कुछ सेलेक्ट कर रखा है जैसे आप

माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए और इसने दोस्तों काफी गलत गलत समझ लिया उसको एज्यूम कर लिया पर है बट दिख रहे हैं वो कहां तक ठीक जा रहा है तो बस लास्ट में गड़बड़ हो गया है तो मुझे यहां पे इरेज करना है इसको और सिंपली दोबारा से मुझे यहां सी टाइप करना है वो सी को भी गलत एज्यूम कर लिया देन उसको इरेज किया देन राइट किया और अब मैं दोबारा से अब सी को राइट कर रहा हूं देन अब पूरा इक्वेशन एकदम ठीक है और अब मैं इस इक्वेशन को लाना चाहता हूं वर्ड में तो आपको वर्ड में जहां चाहिए वहां कर से रखिए बटन पर आप क्लिक कीजिए आपका वो इक्वेशन पूरी तरह से यहां पर इंसर्ट हो जाएगा और दोस्तों जितनी क्वेश्चन आपने यहाँ पे मैथ इनपुट पैनल के अंदर राइट कर रखी है वो सब आपको हिस्ट्री में देखने को मिलती रहेंगे दोबारा आपको इनको इंसर्ट कराने की जरूरत पड़े तो बस आपने क्लिक करना है एंड अगेन इंसर्ट कर लेना है तो ये आपका तरीका होता है मैथ इनपुट पैनल को यूज करने का और आप टफ से टफ इक्वेशन इसके जरिए बना सकते हो और आपको किसी अदर थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है दोस्तों तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल हमने सीखा कि कैसे हम मैथ इनपुट पैनल को यूज करेंगे और कैसे उसके जरिए हम किसी इक्वेशन को लिख पाएंगे इसी तरह की औसम awesome वीडियो दोस्तों में आपको लिए कर आता रहूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए बस इतना ही